मॉर्निंग YouTube फैमिली, आज है 18 नवंबर, जो कि एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज के दिन मेरी शादी हुई थी तो 2013 में, और अभी सुबह के बज चुके हैं 7, काफ़ी अंधेरा है अभी भी, और मैं अभी जिम से होके आ रहा हूँ। एक बहुत अच्छा बैक का सेशन हुआ है और मैं अपने नए फ्रेंड को आज जिम लेके गया था, तो इस योगा व्हील से आज जो बैकबेंड करने का जो मज़ा आया है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ अपने वीडियो बताऊंगा, शेयर करूंगा, जिससे आपकी बैक बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो आप में से किसी को अगर बैक पेन होती है तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताऊंगा, जिससे आपकी बैक पेन भी ठीक हो सकती है और काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी बैक। तो गाइस, आज रात को मैंने चोरी कुछ गिफ्ट्स लेके आया था अपनी वाइफ के लिए, मैं और मेरी बेटी, अपनी वाइफ को सरप्राइज़ करने के लिए। तो मैंने कुछ फ्लावर्स लिए हैं और कुछ सरप्राइज गिफ्ट है। घर में पहुंच गए हैं। थैंक यू। अभी मम्मा को रेडी करके अभी मम्मा को सरप्राइज देते हैं, ठीक है? सरप्राइज बाद में देते हैं, पहले हम फ्लावर्स देते हैं, ठीक है? चलो, आप ऐसा करके फोन करोगे, मैं तो गाइस सबसे पहले तो मैं वाइफ को प्रियंका को ये गिफ्ट करूंगा, फ्लावर्स। प्रियंका ऑफिस के लिए रेडी हो गई है और हाय, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, शी वांटेड टू गिव, ओके चलो अभी दे, आप दो चलो। तो मेरी बेटी नाराज हो गई, देखो ये कह रही है इसने देना है, चलो आप दो। नो, आप ऐसा करो अभी आप ऐसा करो ना, आप गिफ्ट दोगे, ठीक है? गिफ्ट आपकी तरफ से, प्रेजेंट आपका। चलो अभी आप आना, ठीक है? एंड नाउ यू हैव टू बेंड डाउन योर नी। That's okay. Thank you so much. Happy marriage anniversary. तो प्रियंका भी ऑफिस के लिए रेडी हो गई है। प्रियंका, आपका सरप्राइज आने वाला है, आपका एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि समथिंग दैट यू वांटेड। Really? Yes. चलो जल्दी से दो, मुझे ऑफिस जाना है। Okay, come on, Azel, get the surprise gift. I hope you like it. I hope you like it. Shops to buy this. तो कैसा लगा है आपको? It has a tag on. Oh no! In case you want to change size, so you can do it. Oh wow! But can you show how it looks? थोड़ा पीछे जाके जाना. Oh, don't take off the tag. थोड़ा पीछे जाना. I'll drive. थोड़ा पीछे जाना. Try करके देखना. If it fits me, gold is like. Oh my God! Fit आ गया? पूरा ऊपर हेड इसने चूज किया, भाई एजिल ने चूज किया है, ऑल क्रेडिट गोज टू हर। आप अपना हेड, आप भी अपना हेड कवर करना इससे, देना पूरी। तो कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? यू लाइक इट? दिस इज एनिवर्सरी स्पेशल गिफ्ट, ओके? रियली? ओके। तो गाइस, प्रियंका को बहुत ही अच्छा लगा है मेरा गिफ्ट और आई एम सो हैप्पी दैट शी लाइक इट। गाइस, ये देखिए, मेरी बेटी ने कुछ बहुत ही स्पेशल जो है डिज़ाइन जो बनाया है, ये देखिए, मेरी बेटी ने कल कृष्णा को बनाया हुआ है और इसमें उसने लिखा हुआ है एजिल अपना नाम और गॉड ऑफ इंडिया को इसने ऐसे लिख दी है, और कृष्णा बनाया इसने 17/11/21 को, और इसमें इसको घी खा रहा है कृष्णा। तो ये देखिए गाइस, कैसी लगी आपको इसकी पेंटिंग? अमेजिंग है ना, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। और आप अपनी एनिवर्सरी वाला भी गिफ्ट दे दो, जो आपने हैप्पी एनिवर्सरी वाला बनाया था मम्मा के लिए। और मेरी बेटी भी देखिए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है, और मेरा वर्क फ्रॉम होम है। रियली? मम्मा हैज अ गिफ्ट फॉर मी टू। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसने कल बनाई थी पेंटिंग। हाँ, ये देखिए गाइस, तो ये इसने ड्राइंग जो बनाई हुई है, इसमें इसने लिखा हुआ है 26 years old प्रियंका, और 30 years old सतीश, और प्रियंका ने स्माइल करके बोला है यस, और विल यू मैरी मी, तो इसने बोला यस,
और मेरी हैप्पीनेस और प्रियंका की एक्साइटमेंट जो है आप इस फोटो में देख सकते हो। और उसके बाद इसने लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी और मेरे फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं। तो गाइज देखिए कितनी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी एजल ने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई है मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। और अभी ये क्या बना दिया, ओ माय गॉड, कुछ और भी बना दिया। ओ ये देखो मैरिड हो गया। और ये बीच में कौन है, आप हो? हाँ तो ये कौन बनाया आपने? और ये प्रियंका की कोई फ्रेंड बनाई हुई है। और ये मैं बनाया हूँ, ये देखिए गाइस मैं यहाँ पे भी होता हूँ, मैं गंजा होता हूँ, मेरे कोई बाल नहीं होते क्योंकि मेरे बाल काफी देर से जा चुके हैं। तो इसलिए मेरी बेटी हमेशा ये ध्यान रखती है कि पापा मतलब नो हेयर। तो ये देखिए प्रियंका की ड्रेस कितनी खूबसूरत पहनाई हुई है इसने, और उसकी फ्रेंड की भी। और मेरा ये यहाँ से ज्वाइंट करना भूल गई है शायद, मेरी टांगे अलग है और मेरी बॉडी अलग है यहाँ और ट्रांसपेरेंट मैं मिस्टर इंडिया बना हूँ यहाँ पे। वाओ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू एजिल फॉर सच ए ब्यूटीफुल लवली पेंटिंग्स ड्राइंग सॉरी ब्यूटीफुल लव। ये देखिएगा इसे बाहर से कुछ भी उठा के ले आती है, यहाँ पे पतझड़ चल रही है अभी। तो ये देखिए पतझड़ के यहाँ पे ये ऐसे कुछ दिखने वाले पत्ते। तो और ये देखो लॉलीपॉप। अच्छा ओके। तो गाइस हम अभी प्रियंका को ऑफिस लेके जा रहा हूँ मैं ड्रॉप करने के लिए। और आज छुट्टी चाहते थे बट छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है। कोई बात नहीं, हम वीकेंड पे मना लेंगे। आज भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि मना लेंगे जैसे भी करके। कुछ स्वीट्स वगैरह है नहीं है लेकिन बना लेंगे कुछ लड्डू वगैरह जो हम पहले भी बना चुके हैं, तो ऐसा कुछ घर से ही कुछ। और आज हम या यही प्लान है, और कुछ प्लान तो नहीं है। डिनर करने रोज बाहर का खाना मन नहीं करता है, अदरवाइज़ जा सकते हैं डिनर करने। और यहाँ पे देखो अभी 8 बजने को आए हैं और मौसम देखो यहाँ पे 8 बजे भी अंधेरा हो रहा है। तो दिन बहुत ही छोटे हो रहे हैं, जैसे 8 बजे मतलब सूर्य निकलता है और ऑलमोस्ट अभी आजकल 4 बजे सनसेट हो जाता है, बट कई अब थोड़े आगे ऐसे दिन भी आएंगे 3 o'clock तक सूर्य बिल्कुल सनसेट हो जाएगा बिल्कुल ही। तो या ठीक है, नो कंप्लेंट्स, पता है ऐसा यहाँ का वेदर है, लेकिन जब अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी दिन आते हैं। और yes krishna is real, yes, but I never get to see krishna. You can just imagine him. Yeah, if you, because you know a world has so much population and krishna needs to be with everyone, that's why he created this power, that anyone who imagine with the good heart krishna, they can feel krishna. So if you close your eyes, you can just think about Krishna and you will feel he's like beside you. So guys, Priyanka ko apna gift bahut acha laga hai. Aur yaar actually pehle kya tha ki jaise anniversary hoti hai aisa lagta hai ki chhota sa occasion hai, but अगर आप ना छोटा सा भी गिफ्ट लेके आके अपनी वाइफ को सरप्राइज़ कर दो ना, उससे बहुत खुशी हो जाती है और अपने फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो मैंने शुरू के जो कुछ एनिवर्सरीज थी तो मैं इसको ऐसे एज ए नॉर्मल डे देता था, तो अब मेरा थोड़ा नज़रिया चेंज हो गया है क्योंकि छोटी छोटी लाइफ में जो इवेंट्स होती हैं तो इनको आपको एन्जॉय करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ फैंसी प्रियंका कुछ कोई फैंसी कोई ज्वेलरी और ऐसा कुछ चीज़ें कोई एक्सपेक्ट नहीं करती, बट फिर भी जस्ट एक फ्लावर भी लाके आप दे दो तो आपकी वाइफ भी इससे बहुत खुश रहेगी, यू नो। तो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो
तो आप भी अपनी वाइफ को कोई भी ऐसे ओकेजन्स पे सरप्राइज करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना है, नॉर्मल गिफ्ट भी दे सकते हो। तो मैंने हमेशा से अभी कोशिश करता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा ओकेजन हो, बर्थडे हो या फिर वाइफ का हमारी एनिवर्सरी हो या फिर या कोई भी ओकेजन हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा।